कुछ ऐसा ट्वीट था कि आप कार्तिकेय अम्मा नया स्टूडेंट है ग्रेड वन में चेपाड़ में स्कूल में और मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, तो मुझे कहा कार्तिकेय अम्मा का जब उनकी तस्वीर देखी तो मेरे दिल को लगा कुछ। तो मैंने कहा कितना सच्चाई है इसमें क्या नहीं है, इंटरनेट में आप हर चीज़ विश्वास नहीं कर सकते। तो मैंने दो सोर्सेज से पूछा, कहते हैं हाँ कार्तिकेय अम्मा बहुत ही क्यूट है, उन्होंने ये बोला कि 2.5-3 फुट के हैं और पूरा दिन पढ़ते हैं, उनको लिखना आ गया अब तो जो भी जाता है उनका नाम लिख के बताते हैं कि देखो मैंने आपका नाम लिखा। तो मुझे लगा कि ये कहानी है, बट यू नो मैं इतनी दूर से 3 फ्लाइटें बदल के अगर पहुंचता भी हूँ वहाँ पे तो क्या कहानी मतलब वर्थ होगी एज अ डॉक्यूमेंट्री और अ स्टोरी। मुझे लगा वर्थ होगी, कार्तिकेयन की अम्मा में एक सच्चाई थी एज अ स्टूडेंट क्लासरूम में बैठे हुए बच्चों के साथ। तो जब ट्रैवलिंग शुरू हुई तो बहुत मुश्किल था, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज फ्रॉम इट्स अ मुश्किल है जब हम शूट करने के लिए गए, लैंग्वेज की हमको था डिस्पैरिटी है हमको, पर सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि इट वॉज मीटिंग कार्तिकेयन अम्मा विच चेंज एवरीथिंग। भाषा हमको डिवाइड नहीं कर सकती, हमारी अपनी भावनाएं हमें डिवाइड कर सकती हैं, भाषा से हम डिवाइड नहीं होते। भाषा को हम बहाना बनाते हैं कि हमको समझ नहीं आ रहा, पर हम समझना चाहें तो इंसान को समझ सकते हैं बिना भाषा के। ये मुझे कार्तिकेय अम्मा ने सिखाया। ट्रैवलिंग के दौरान न्यूयॉर्क से कुछ माइंड में चल रहा था क्या, कैसा होगा? मुझे लगा रिस्क ले रहे हैं, मुझे लगा रिस्क ले रहे हैं, जहाँ इतने बड़े बड़े रिस्क लिए हैं तो रिस्क ले रहे हैं। और बहुत लोग जो मेरी टीम में भी थे यूएस में, उन्होंने कहा प्लीज़ देखो शी इज़ 96, 97, 98, यू नो कितना टाइम होगा इनके पास कि कोई कहानी पूरी हो, एक बार मिल मतलब क्या कहानी कैसे पूरी होगी, यू नो बिकॉज लाइफ का सर्टेंटी नहीं है। बट मुझे लगा भगवान ने मुझे कहानी दी है और पूरी सृष्टि जुड़ गई है मुझे कहानी बताने के लिए, कहाँ कहाँ से लोग जुड़े आप सोच भी नहीं सकते। और 96 उम्र में कार्तिकेय अम्मा पहली बार स्कूल गए थे चेपाड़। अभी 4 साल पहले की गाने, अभी तो 100 साल की कार्तिकेय अम्मा भी कुछ हफ्ते पहले 100 साल की हुई है, मतलब तब तो बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं होते थे आपको पता ही है। तो बट उनकी जो घर वाले उन्होंने कहा कि 100 साल के हो गए हैं। कार्तिकेय अम्मा वॉज बॉर्न इन 1922, तो शी इज़ कम्प्लीटेड 100 ईयर्स नाउ। तो ये पूरे 4 साल की उनकी कहानी है और अब उनको नारी पुरस्कार मिला जिसमें मोदी जी से भी मिली, अब प्रेजिडेंट कोविड जो थे हमारे फॉर्मर प्रेजिडेंट उन्होंने भी उनको पुरस्कार दिया। और आई थिंक इट्स सो क्यूट जब वो स्टेज पे भी गए जो मूवी में है, नंगे पैर छोटे से बिल्कुल, और स्मृति ईरानी के साथ है, स्मृति ईरानी के यहाँ भी आ रहे हैं, बट एक पावर जो है आप में वो आपके कद से आपकी भाषा से आपके रंग से नहीं आती, पावर यहाँ से आती है। एंड कार्तिकेय अम्मा प्रूव्ड इट टू अस। पूरी इंटरव्यूज है उसकी। तो कार्तिकेय अम्मा ने कहा कि बहुत छोटे से घर से है और उनके पापा जो थे वो दिहाड़ी पे काम करते थे डेली वेजेस पे, और ये लोग 6 बहनें थी तो तभी कोई पढ़ नहीं सका। तो कार्तिकेय अम्मा ने फिर शादी होगी जल्दी एज में, जैसे पहले होता था 15-16 साल में, और इनके हस्बैंड की जल्दी डेथ भी होगी और इनके भी 6 बच्चे थे। तो शी वॉज अ स्वीपर, वो सड़कें साफ करते थे, वो मंदिर के बाहर सफाई करते थे और जो खाना वहाँ से मिलता था उससे बच्चे पालते थे। तो उससे लाइफ बढ़ती चलती गई। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी लाइफ बहुत हार्ड लाइफ लिव की है, मैंने बहुत हार्ड लाइफ, पिक्चर शुरू ही हमने वहाँ से किया था, पता लग जाए कि ये औरत आज राइज करेगी और आपको खड़े होकर इनको ताली मारनी पड़ेगी। एंड हुआ है कि एक सिनेमा हॉल्स में जहाँ मूवी दिखाई गई थी अमेरिका में, यूरोप में या फिर जापान में भी, वहाँ पर इट वॉज स्टैंडिंग अप्लॉज कि वाह मतलब क्या औरत है। और ये ताकत भगवान ने हम सबको दी है, बस हम कभी यूज़ नहीं करते, और जिन्होंने यूज़ की उनकी देखो आज तस्वीर लग के यहाँ पे उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब बुक में पढ़ने के लिए आप देखें, आप मूवी जब बनाते हैं तो आप पूरे बचपन की कहानी दिखा रहे हैं, अम्मा ने कहा बचपन से ये ऐसे था, पर जब आप बुक करते हैं तो क्या करना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है बच्चों को खासकर कि बचपन में एक छोटी सी लड़की केरला में पैदा हुई, उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी। तो आपको ये आप लिबर्टी लेते हो बुक में, जो चीज़ें आपने लाइफ में देखी नहीं आपको पता है कि छोटे थे तो बड़े हुए, और उसको बहुत पसंद थी सूरज पसंद था, जैकफ्रूट पसंद था, वो जो जो चीज़ें अम्मा ने कही थी एंड, और फिर उसको पेंसिल बहुत पसंद थी, तो उसने एक पेंसिल अपनी जो थी छुपा के रखी हुई थी, एक दिन मैं स्कूल जाऊँगी तो इस्तेमाल करूँगी, विच इज़ अ ट्रू स्टोरी।
बिकॉज उनकी एक फेवरेट पेंसिल थी जो उन्होंने एग्जाम के दिन यूज़ की थी, तो उसके ऊपर भी कहानी बीच में आएगी। 96 शी वेंट टू स्कूल, तो 97 शी गिव द एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम का किताबें देखती थी, उसे किताबें बड़ी पसंद थी। और फिर एक दिन पापा ने कहा कि स्कूल नहीं जा सकते, तो इतने पैसे नहीं है घर में, आपको दिहाड़ी पे काम करना पड़ेगा और आपकी शादी होगी। तो बहुत जल्दी शादी हो गई, एंड यू नो ऑल दो स्टोरीज़। फिर एक दिन घर में एक टीचर आई, उन्होंने कहा कि इस घर में कोई बच्चे हैं जो स्कूल नहीं गए? तो अम्मा ने कहा इस घर में सिर्फ मैं ही हूँ जो स्कूल नहीं गई, अगर आप मुझे पढ़ा सकते हैं तो मैं सीखूँगी। तो उनको भी अजीब लगा होगा पहले, तो मतलब क्या है। तो फिर उनकी इंटरव्यूज़ की हैं हमने डॉक्यूमेंट्री में, वो कैसे उनको स्कूल लेके गए और स्कूल में उन्होंने अम्मा को टीचर को इतना छोटे सी बिल्कुल इतनी ही है अम्मा रियल लाइफ में भी। तो अम्मा को क्लास में बहुत सब बच्चों ने मजाक उड़ाया कि ये कैसे हो सकता है, कैसे औरत है, मतलब अगर मैं बचपन में मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर मेरे साथ स्कूल जाएगी तो बच्चे तो हंसेंगे ना। तो अम्मा ने कहा मैं परवाह नहीं करती, कहती आई एम नॉट अशेम्ड, कहती यू नो गलती ये होगी अगर मैं अपनी ड्रीम पूरी नहीं करती, तो पूरी उम्र मैं लोगों की बात कह के अपनी ज़िंदगी बिताई है, बट लास्ट में आई वॉन्ट टू लिसन टू माई ओन हार्ट। एंड दैट इज़ सच ए पावरफुल स्टेटमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, दैट आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई हैव टू डू इट बिकॉज माई हार्ट सेज सो। एंड की बात करो, एंड आपने कहाँ एंड किया कि वो पढ़ाई पास हो गई? हमने एंड की मूवी उनकी जो नारी पुरस्कार मिला उनको, प्रेजिडेंट जिसे इंडिया का प्रेजिडेंट है, फॉर्मर प्रेजिडेंट, उन पे वहीं पे हमने मूवी एंड की कि यू नो पूरा आज इंडिया सैल्यूट करता है एक औरत को जिसको एक वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, वहाँ पे हमने मूवी एंड की। बट आप मूवी अगर देखेंगे तो कुछ देर में आ रही है, तो आप कहेंगे जैसे हमने एंड की ना मूवी, आपको लगेगा ओ 100 साल की औरत स्कूल गई, पर उसका जो मैंने कहा आपको, हमारी दादी नानियों में एक विजडम थी, देवर नॉट जस्ट ग्रैंड पेरेंट्स, देवर हीलर्स, ठीक है, वो दर्जी का काम भी करते थे, वो सफाई का काम भी, खाने का काम भी, हर पूरा घर सिस्टम, फाइनेंस भी, और सबसे ज़रूरी वो हीलर्स थे, वो डॉक्टर का काम भी करते थे। सर वो आप खान दवाई की बात करो, मुझे एक बात बताओ, जब तक आपकी फैमिली में दादी नानी थी कोई बच्चे को डिप्रेशन नहीं हुआ? अब असली तो मैं वही फ्रॉम अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू, जब वो लोग थे तो उनके होने से ही कोई डिप्रेशन नहीं था, कि दे न्यू के बच्चों को कैसे बताने के सब कुछ ठीक है, तेरे परिवार में जो बच्चे डिसेबल्ड हैं उनमें फेल भी हो रहे हैं, दादी नानी को कोई फ्रेंड नहीं पड़ता था, तुझे तो फिक्र ना क्या कर, सब बोलेंगे ऐसे। दैट इज़ वॉट मेक्स अ चाइल्ड, तभी इतनी हेल्दी जनरेशन थी हमारी मेंटली, आप देखें। और अब जब न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं, दादियों के साथ बच्चे नहीं बड़े हो रहे हैं, आई फील इट्स अ डिसएडवांटेज। तो आपने जो हीलिंग का नुस्खा बोला ना, वो सिर्फ आप हल्दी दूध का नुस्खा नहीं था, उनके पास एक अलग जादू था। अम्मा ना खाना बिल्कुल अलग खाते हैं, अम्मा सेम खाना खाते हैं, दाल चावल रोज, बिल्कुल सेम खाना खाते हैं। हम उनको ले गए थे एक दिन रेस्टोरेंट में, बट शी ईट्स द सेम फूड, आई डिडंट, आई नेवर कुक्ड फॉर हर। अभी बर्थडे पे हम केक लेके गए उनके, वो भी हमने खुद बनाया नहीं था, क्योंकि हमको बिल्कुल वो बिल्कुल कुछ दे आर शी सो डिसिप्लिन, वॉट शी 100 years old, हेल्दी, फुल आईसाइट। मेरे को तो उनसे सीखना चाहिए, मेरे को ऐसी डाइट चाहिए। तो शी ओनली ईट्स राइस एंड लेंटिल्स, दाल, एक चीज़ खाते हैं बस, टू मील्स अ डे। आप मूवी में देखें क्लाइमेक्स में जो बोलेंगे वो कब देखने मिलेगी? जल्दी मिलेगी, मेरी मम्मा को, मेरी मम्मा का बर्थडे आ रहा है 18 तारीख को, नवंबर को। तो हमने मम्मा को पूछा कि मम्मा क्या, मम्मा कहते हैं कि ये फिल्म सबको देखनी चाहिए जो आप कह रहे हैं। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पे, हर जगह हम फिल्म कैसे देख सकते हैं, फिल्म कैसे देख सकते हैं। मैं कहता हूँ, मेरे दिमाग में था यू नो बड़े प्लेटफॉर्म में बेच सकते हैं, ये कर सकते हैं। मम्मा ने कहा नहीं, सबको फिल्म देखनी है, तो 18 तारीख को इंशाल्लाह सब फिल्म देखेंगे। यूट्यूब, आई जस्ट पुट इट अप। थैंक यू।
वाले जी प्लीज ये इस इंसान का नाम याद कर लो जिसने मूवी शूट की है। ये आपने विजुअली ऐसी मूवी नहीं देखी होगी। ये हमारे को प्रोड्यूसर हैं जी, ये हमारे लाइन प्रोड्यूसर हैं, वो मेरे भाई हैं, गंगा किनारे में रहते हैं वो। Thank you guys. Thank you, sir. Thank you. I need a book. Because I